हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 1500 सीरीज़ का पार्ट 62। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 15 है, तो जो भी आपका स्कोर रहे 15 आउट ऑफ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक गर्म तंतु से तापयानिक उत्सर्जन ताप के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बात करें इंग्लिश में, थर्मोनिक एमिशन फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट वेरीज विद इट्स टेम्परेचर टी एस। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। आज आपको दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी में, तो आप टेंशन मत लीजिए। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जे इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर ई की पावर माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन में के टी। अब देखिए ये टेम्परेचर के क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, क्योंकि जी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, टी स्क्वायर के, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डायोड वाल्व में संतृप्त अवस्था शीघ्र प्राप्त की जाती है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बात करें इंग्लिश में, इन अ डायोड वेल्व द स्टेट ऑफ सेचुरेशन कैन बी ऑप्टेंड इजिली बाई। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो हमें कैसे ऑप्टेंड होगी, लो फिलामेंट करेंट एंड हाई प्लेट वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, निम्न तंतु धारा तथा उच्च प्लेट विभव पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चित्र में कुछ लॉजिकल गेट के संकेत दिखाए गए हैं, बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश में आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। गिवन बिलो आर सिंबल्स फॉर सम लॉजिक गेट्स। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए जो आपका एग्जॉर गेट है वो है आपका सेकंड, और बात करें नॉर गेट की वो है आपका थर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो है आपका एग्जॉर गेट और ये आपका नॉर गेट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे, आई होप आप जानते होंगे और नॉर नॉट ये सब क्या होते होंगे। मैं आपको एक बार जल्दी से रिकैप करा देता हूँ क्या होते हैं। देखिए अगर बात करें और गेट की तो और गेट में ये नहीं होता, ये पूरा डायग्राम होगा। बात करें एंड गेट की तो एंड गेट में ये नहीं होता, ये पूरा होता है। बात करें नॉर गेट की तो नॉर गेट आपका ये दे रखा है। बात करें नैंड गेट की तो नैंड गेट आपका ये दे रखा है, तो आई होप आप जानते होंगे। और बात करें नॉट गेट की तो नॉट गेट आपको ये दे रखा है। तो डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फोर। निम्न सत्य सारणी किस गेट्स के समतुल्य हैं। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। बात करें इंग्लिश में, द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल करस्पॉन्ड्स टू द लॉजिक गेट। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो
तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये क्या है? ऑर गेट है। ऑर गेट क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा जीरो और जीरो क्या होता है? जीरो होता है। जीरो और वन क्या होता है? वन होता है। वन और जीरो क्या होता है? वन होता है। और वन और वन क्या होता है? वन ही होता है। तो आपको यही दे रखा है, जीरो और जीरो जीरो, जीरो और वन वन, वन और जीरो वन, और वन और वन वन। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्तक के लिए निवेशी सिग्नल वोल्टेज एवं निर्गत वोल्टेज के बीच का कालांतर होता है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बात करें इंग्लिश में, इन अ कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज करिए और आराम से सोचिए। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो कितना कालांतर होता है? जीरो होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जल्दबाजी में स्टूडेंट पाई बाई टू करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। आपको हमेशा याद रखना है कितना होता है? जीरो होता है। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पी एन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनीति। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बात करें इंग्लिश में, द रिवर्स बायसिंग इन अ पी एन जंक्शन डायोड इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। द रिवर्स बायसिंग इन अ पी एन जंक्शन डायोड इज इंक्रीजिंग द पोटेंशियल बैरियर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर क्या करता है? इंक्रीज करता है। किसमें? रिवर्स बायसिंग में। अगर बात होता यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग की तो हम यहाँ डिक्रीज करके आते, बट यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखा है रिवर्स बायसिंग, तो हम ऑप्शन नंबर बी टिक करके आएंगे, इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। बात करें हिंदी में तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। संधि प्राचीर विभव को अधिक करता है। डिस्कस करें आगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बात करें इंग्लिश में, द पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। देख सकते हो आप कितने सारे एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, टॉप 1500 सीरीज अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। और भाई आपके 1100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और आज आपके 1115 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाकी के बचे रिमेनिंग क्वेश्चन उनको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए और आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। पुरानी वाली वीडियोस को 2x की स्पीड पर देखना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आपका सिलेबस काफ़ी बढ़ जाएगा और आपको दिक्कत होगी रिवीजन करने में। तो आप अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। बात करें हिंदी में तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनीति रहित पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में होते हैं। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल होल, इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों, या ऑप्शन डी केवल स्थिर आयन। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। बात करें इंग्लिश में, इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड देयर आर ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ओनली होल्स, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, या ऑप्शन डी ओनली फिक्स्ड आयन्स। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो केवल क्या होते हैं? फिक्स्ड आयन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें हिंदी में तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, केवल स्थिर आयन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनीति तथा उत्क्रमित
व्यास अवस्था में प्रतिरोधों का लगभग अनुपात होता है, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द अप्रोक्सीमेटली रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इज, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और उसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। देख सकते हो आप कितने सारे एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपकी एग्जाम में भी डिक्टो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा क्वेश्चन में, ये मेरी गारंटी है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। और जिन भाई लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अभी। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो आप हमेशा याद रखना कितना होता है रेशियो, 1:10⁴। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, तो आप इसको याद कर लीजिए, डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सॉल्यूशन मत देखिए, आप डायरेक्ट याद करिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि डायोड में होल बनने का कारण है, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, इन अ जंक्शन डायोड द होल्स आर ड्यू टू, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो होल्स का क्या कारण है, मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में, तो होल बनने का कारण है इलेक्ट्रॉनों का खोना, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे, पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनीति की अवस्था में विभव प्राचीर की चौड़ाई, ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है। बात करें इंग्लिश में, इन अ फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेंस कॉन्स्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। अभी मैंने आपको डिक्टो क्वेश्चन ऊपर कराया है, इससे मिलता जुलता। तो आई होप सबने इसका एकदम राइट आंसर लगाया होगा। तो मैंने अभी आपको बताया फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिक्रीज होता है, एक मिनट, क्या होता है, डिक्रीज होता है। और बात की जाए किसकी, रिवर्स बायस की, तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है फॉरवर्ड बायस, तो हम डिक्रीज करके आएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, घटती है। डिस्कस करें आगे, अवक्षय परत में प्राचीर विभव निम्न के कारण होता है, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द पोटेंशियल बैरियर इन द डिप्लीशन लेयर इज ड्यू टू, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और उसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, आइंस। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, आई नो। डिस्कस करें आगे, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द मेयटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड किया है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अगर हमसे यहाँ एन टाइप पूछता तो हम इलेक्ट्रॉन करके आते, तो आप हमेशा याद रखना पी टाइप में मेयटी चार्ज कैरियर होते हैं आपके होल्स, और हमसे एन टाइप पूछता तो हम इलेक्ट्रॉन करके आते। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, होल्स। डिस्कस करें आगे, पी प्रकार का अर्धचालक निर्मित होता है निम्नलिखित के मिलाने से, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी ऑप्टेन बाय एडिंग, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, गैलियम टू प्योर सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी ऑप्टेन बाय एडिंग गैलियम टू प्योर सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संधारता आपको दे रखी है प्रति सेंटीमीटर तथा होलों की संधारता आपको दे रखी है, अर्धचालक है, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, इन अ सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज दिस एंड दैट ऑफ होल्स इज दिस, द सेमीकंडक्टर इज, ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और उसका राइट आंसर सोचिए। काफी मजेदार क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में जो कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, ज्यादा है, 10^14 कंपैरिजन टू होल्स 10^12। तो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है तो आपका एन टाइप होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एन टाइप। बात करें हिंदी में तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, एन प्रकार का। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक तो करना ही करना और साथ में एक दो शेयर भी कर देना। तो मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप अपना रिवीजन कर देना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आप काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर, बाय बाय।